रायबरेली में शादीशुदा महिला से मिलने गए प्रेमी व महिला को परिजनों ने ग्रामीणों ने बंधक बनाया। बंधक बनाकर ग्रामीणों ने प्रेमी व प्रेमिका को पेड़ से बांधा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को छुड़ाकर अपने साथ कोतवाली ले गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहंदीपुर गाँव का है। यहाँ के रहने वाले माता दीन ने अपने बेटे की शादी पांच वर्ष पहले डलमऊ क्षेत्र में की थी, लेकिन बहू का चाल चलन ठीक ना होने के कारण उन्होंने अपने बेटे और बहू को घर से बेदखल कर दिया था और वे दोनों घर से अलग रहते थे। देर रात बहू से उसका प्रेमी अंकित यादव निवासी कृष्णा नगर थाना डलमऊ मिलने के लिए प्रेमिका की ससुराल पहुंच गया। सुबह जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से प्रेमी व महिला को पकड़कर रस्सी से पेड़ से बांध दिया। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी व महिला को पकड़कर अपने साथ ले गई। हुआ यह है कि ये बहुरिया है मेरी और बहुरिया लड़का में पटत नहीं रहे तो हम लगभग 1.5-2 साल हो गए इनका बेदखल कर दिया दोनों को। ये कई बार जहर वहर खाने का प्रयास किया दो एक बार, तो उसमें हम लोग फंसते इसलिए हमने इसको बेदखल किया। फिर ये अपने मन से आई मायके से कहेस कि अब रहा निकी तरह और राहत राहत ये सब ये दुनिया भरे के ठेलुआ बटोर बटोर आवत का करिए ऐसे आदमी। घटना है ये घटना यह लमसम 2 साल पहले की नहीं आज ये कब आज की घटना ये रात में कितने बजे आया हमको क्या मालूम, हम तो बाहर यहाँ सोते हैं। उसके बाद क्या हुआ? या सुबह हम गाय लगावे जात रहे तो श्याम बाबू को कुछ आहट मिली हुई तो ये गवा अंदर कमरा के तो ये बेड के नीचे लेते रहे। तो किसके बेड के नीचे? बौरिया के। उसके बाद ये पकड़ के लाया भीतर से फिर कहा भाई उनका काम मतलब इनका चोर है कि चमार है के हर गुण है। पुलिस को सूचना दे दी है? नहीं अभी तो नहीं दिया। पुलिस को दिया है सूचना? हाँ दे दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।